नमस्कार, मॉम्स किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ नमक पारे, जो खाने में बहुत अच्छे लगता है, सबको बहुत पसंद आते हैं। इसके लिए मैंने 3 पाव करीबन मैदा लिया है और इसमें हम थोड़ा चुटकी भर नमक डालेंगे। नमक अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। थोड़ा जीरा, कुछ लोग जीरा नहीं डालते हैं, अजवाइन डालते हैं, लेकिन मैं जीरा और अजवाइन दोनों डाल रही हूँ। इसका स्वाद अच्छा आता है, इनको उसको सब मिक्स करते हैं। उसके बाद हम इसमें ऑयल डालेंगे। मैं इस चम्मच से, ये मैंने तो करीबन 3 चम्मच करीबन ऑयल डाला है। इसको पहले मिक्स करके देखेंगे, अगर और जब पड़ेगी तो और डालेंगे। फिर से मिक्स करके देखते हैं, लेकिन अभी ये बंद नहीं रहा है, तो इसमें थोड़ा सा ऑयल मैं और डाल रही हूँ। अब हम इसको ऐसे बांध के देखेंगे, तो ये देखिए हमारा इस तरह से बंध रहा है, तो समझिए परफेक्ट इसमें ऑयल डाला है। अब हम इसको पानी लेके हल्का हल्का गूंथेंगे, ना तो इसमें ज़्यादा पानी होना चाहिए, ना ही ज़्यादा गीला होना चाहिए, ना ही ज़्यादा टाइट होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी करके हमें इसको गूंथना है। सारा आटा बन के तैयार हो गया और इसको मैं 5-10 मिनट के लिए रेस्ट कर देती हूँ। हम इसको एक कपड़े से ढक के रख देंगे, 5-10 मिनट बाद फिर आपके नमक पारे बनेंगे। फायर डाल गर्म करने के लिए रख दिया है, इसको तेज आंच पे गर्म करेंगे और उसके बाद इसको बाद में लो करेंगे। अभी हमने कढ़ाई पर इसको रख दिया है। देखिए आटा हमारा हो गया, बना लिया है। अब इसको देखिए इस तरह से इसको बेलना है, ना ज़्यादा बारीक पतला, ना ही ज़्यादा मोटा। हमने बना दिया। अब आप पिज्जा कटर से भी ऐसे भी इसको काट के इस तरह से काटेंगे इसको। ज्यादा छोटे करने चाहे तो ज्यादा छोटे कर लीजिए। वह लेकिन इसको अब हम थोड़ा सा मीडियम कर देंगे, नहीं तो इसको डालने में अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब इनको आराम से तेल में छोड़ना है, चिपकने की मदद कीजिए, बाद में अलग अलग हो जाते हैं। इनको हम मीडियम पे होने देंगे। ये देखिए हमारे नमक पारे बनके तैयार हो गए। और देखिए तोड़ के दिखाती हूँ आपको, खस्ता बने, देखो कैसी आवाज आ रही है। और अगर आप इनको बनाए आपको पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।